आगामी चुनाव से पहले महागठबंधन की कवायद चल रही है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ कि इस गठबंधन का चेहरा कौन होगा। इसके लिए राहुल गांधी के नाम की चर्चा तेज थी, लेकिन अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद ही पीएम के चेहरे पर फैसला लिया जाएगा। 2019 के चुनाव में मोदी का विजय रथ रोकने के लिए महागठबंधन की चर्चा तो तेज है, लेकिन पीएम के चेहरे को लेकर इस दोस्ती में दरार पड़ती दिख रही है। जब कांग्रेस ने पीएम की उम्मीदवारी के लिए राहुल गांधी का नाम आगे किया तो कई दलों से इसे लेकर असहजता दिखी। तेजस्वी यादव से लेकर ममता बनर्जी तक साफ कह चुके हैं कि किसी भी चेहरे पर मुहर चुनाव के बाद ही लगाई जाएगी। ये विरोध कांग्रेस की महागठबंधन की कवायद पर भारी पड़ सकता है, इसलिए अब पार्टी ने अपनी रणनीति बदल ली है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के बाद ही महागठबंधन के चेहरे पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव जीतने और सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने दो चरणों में अपना फॉर्मूला तैयार किया है। इसके तहत पहले चरण में कांग्रेस सभी दलों के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हराने की रणनीति अपनाएगी। फिर दूसरे चरण में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर फैसला लिया जाएगा, यानी महागठबंधन का पीएम कौन होगा यह चुनावी नतीजे आने के बाद ही तय किया जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने सभी को निर्देश दिया है कि यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में महागठबंधन को मजबूत बनाया जाए। बिहार में तो कांग्रेस की आरजेडी के साथ दोस्ती है ही, वहीं महाराष्ट्र में बसपा और एनसीपी से चर्चा चल रही है। यूपी में भी कांग्रेस सपा और बसपा से दोस्ती कर रही है। जहां कांग्रेस दूसरी पार्टियों से करीबी बढ़ा रही है, तो वहीं शिवसेना के साथ गठबंधन को खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि शिवसेना के साथ वैचारिक मतभेद हैं, जिसके चलते उसके साथ गठबंधन संभव नहीं। अब शिवसेना पर तो कांग्रेस ने अपनी स्थिति साफ कर दी, मगर ये अभी तक साफ नहीं है कि सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, क्योंकि प्रियंका गांधी के राजनीति में आने की चर्चा है। अब पार्टी इस पर क्या फैसला लेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।